सब म्यूजिक हमारा अप्रिशिएट हो रहा है आज की डेट में। 90s का एक ऐसा दौर है, तो वो एक खुशी होती है, लेकिन अगर उसके साथ अवार्ड मिलता तो और भी खुशी होती है। कभी हाँ कभी ना हाँ, अमेजिंग गीत वो तो है अलबेला, है काश के हम होश में आ रहे। ललित जी ने शो किया, मुझसे कंसल्ट नहीं किया कि जतिन ललित नाइट कर रहा हूँ, और मेरा नाम दे दिया, लेकिन उस बात को मैंने कोई इशू नहीं बनाया। आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। नमस्कार, मैं हूं म्यूजिक डायरेक्टर जतिन पंडित। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिंगर कंपोजर राहुल जतिन, और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। मुझे ना जतिन जी ये कहना था आपसे कि मोहब्बतें में, क्योंकि तीन एक्टर्स तीन एक्ट्रेस, उन सबके हर गाने में एक एक अंतरे थे, तो ये कैसे मैनेज हुआ? कैसे लाइक हर एक्टर के लिए इतना परफेक्ट अंतरा बना कि उनकी पर्सनालिटी पर वो बिल्कुल, जैसे उदय चोपड़ा की जो पर्सनालिटी है विद क्षमता शेट्टी, एकदम परफेक्ट, इट जस्ट फेल्ट लाइक इट। सो क्या आप भी स्क्रिप्ट के साथ बैठकर कैरेक्टर वर्क करते थे? आदित्य चोपड़ा स्पेशली व्हेन ही वाज वर्किंग विद अस एंड एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम ही वाज यूज्ड टू गेट अस इन्वॉल्वड सो मच इनटू द स्क्रिप्ट, narrating the script and just the way he used to narrate the situations and what exactly he wants, he had absolutely everything clear in his mind. तो उससे बहुत फायदा पड़ जाता है मुझे एक्टर को कि अभी करना क्या है, इसको किस फ्रेमवर्क में ही काम पसंद आने वाला है, तो वो उसमें बहुत खूबी थी। तो उसका फायदा सिंगर को भी होता था, हमको भी होता था, लिरिक्स राइटर को भी होता था। बख्शी साहब तो ऐसा बोलते थे कि बेटा ये जो फिल्म बना रहा है ना, ये फिल्म DDLG के लिए बोला था उसने कि जिस तरह की कहानी सुनाई है उसने, अगर ये वैसी बन गई पिक्चर तो जिंदगी भर नहीं उतरेगी। आज देखिए बख्शी साहब है नहीं, लेकिन वही बात हो गई है, पिक्चर उतरने का नाम ही नहीं लेती, लोग पब्लिक छोड़ती नहीं है पिक्चर। ऐसी एक 2001 में आती है, अगेन बिग बैनर, बिग सुपरस्टार्स, लार्जर देन लाइफ सेट्स, कभी खुशी कभी गम। बताएं जतिन जी, दिस इज अनदर सुपर हिट एल्बम जहां हम नाचे हैं, हम शावा शावा पे कितने गानों पे नाचे हैं इस पर, मतलब दिस इज, आज भी हम आरती की थाली लेकर अगर खड़े रहे तो मेरी सासों में तू है समाया बैकग्राउंड में चल रहा है, इट्स अ फीलिंग। सारे ही गाने उसके ना, वो मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग को करण जो हमने बुलाया और बोला कि मैं बहुत बड़ी पिक्चर शुरू कर रहा हूँ, तो उसकी जब उसको मेरे को स्टोरी नरेट करनी है, तो हम लोग चले गए उसके ऑफिस में। उस वक्त उसका लिंक में रोड में ही था ऑफिस, तो जिस तरह से उसने कहानी सुनाई है मैं आपको बयान नहीं कर सकता, जो उसके चेहरे पे इंटेंसिटी थी और जो आंखों में उसके वो जो सीन्स नरेट कर रहा था उसमें, जो बच्चन साहब का करेक्टर, जया जी का करेक्टर, शाहरुख का करेक्टर, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट। मैं बोला यार करण ये तो कमाल नरेशन था यार, मैं तो DDLG का सुना था उसके बाद। बोले नहीं जतिन, दिस अ वेरी प्रेस्टिजियस फिल्म, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं और ये कॉम्बिनेशन करना ही मेरे लिए इतनी, मेरी इसमें एनर्जी लगी है कि बच्चन साहब, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, काजोल और करीना कपूर, कितनी बड़ी कास्टिंग है, जय जी। बोले इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल म्यूजिक देना पड़ेगा यार, वरना ये पिक्चर म्यूजिकली बम्बाड़ी होनी चाहिए, चिंता ही मत करो। ये आप कभी भी प्रेशराइज होते थे ऐसे? प्रेशर बिना इतने काम आसानी से होता नहीं, इट्स नॉट करण ने तो इनफैक्ट हमको खंडाला या मडाइलैंड भेज दिया था, मतलब बनाते रहो गाना। हम लोग ने बहुत मेहनत की इस पे, हर गाना एक चैलेंज होता है ना, इस लेवल का जब गाना आप काम करते हैं तो कितने जानकार लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उन लोग का अप्रूवल लेना और उनके लेवल पे जाके काम लाके
उनको डिलीवर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन ऐसा होता है कि एक बार आदमी करने लगता है तो फिर वो उसको लेवल भी पता चल जाता है ना कि ये लेवल का काम है, तो ये वो भी उसका अपना लेवल ही इतना अपग्रेड हो जाता है कि वो उसी लेवल का काम करने लगता है। लेकिन हम लोग की अच्छी बात यह है कि हमने छोटी फिल्मों में भी अच्छा म्यूजिक दिया, उसमें यारा दिलदार आप देख लीजिए, हासिल पिक्चर में कितना अच्छा म्यूजिक, आंखें भी होती हैं, तो वो हम लोग करते थे हमेशा, कोई ऐसा नहीं कि ये छोटी है तो इसमें अपना डफरा दिया म्यूजिक ऐसा करती, ऐसा नहीं, कभी नहीं, ऑनेस्टी से काम करते ही गए करती है। और म्यूजिक में जैसे जावेद साहब बोलते हैं कि जतिन ललित के म्यूजिक में डिग्निटी होती है, वो ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि मतलब एकदम सस्ता काम करके चला दिया काम। देखिए दो दो तरीके से भीड़ लगती है, या तो आप एक ऐसा काम करिए कि दुनिया बोले यार वाह वाह क्या काम है, या फिर कपड़े उतार के सड़क में खड़े हो जाइए, वो भी एक तरीका है, वैसा भी कर लेते हैं लोग सक्सेस के लिए, हमने वैसा नहीं किया, हमने बहुत ऑनेस्टी से बहुत मेहनत से सिंसियरिटी से, उसमें ललित भी उतनी मेहनत करता था और मैं भी करता था, दोनों जान लड़ाते थे, तो वो बात होती थी। एक ऐसा गाना इस फिल्म से जो दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ, K3J से बोले हाय हाय मैं मर जावा तेरे बिन, अब तो नहीं कटती रातें तेरे बिन, दिल तुझको पुकारा करे मेरी बिंदिया इशारा करे, ओए लश्कारा लश्कारा तेरी बिंदिया का लश्कारा, ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा, ओ हो मेरी पायल पुकारे तुझे, रुके मनाए तुझे, ओ सजन जी हाँ सजन जी, कुछ सोचो कुछ समझो मेरे बात को, बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जी नहीं लगदा मैं ते मर जावा, ले जा ले जा एक और गाना है मुझे वो बहुत गाना पसंद है, आज सुबह मैं गुनगुना भी रहता हूँ, ये लड़की है अल्लाह हाय हरे, बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, चुप चुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, तू माने या ना माने तो इस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय, अंतरा भी बड़ा अच्छा है, बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, चुप चुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, तू माने या ना माने मैं तो तुझ पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय जोड़िया बनती है गले से सबकी, ना 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 दिलदार रूप ना ना लगे मैं तो नहीं मिलती, ना 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 रे अरे नारे गाना माना ना दे मैं तो मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह। क्या ऐसे गाने हम दोबारा सुन पाएंगे? जरूर आप सुनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। In today's day and age. Yes, yes, जरूर। जतिन जी, having composed so many songs for so many actors, creating history with so many singers, 11 nominations, पर कोई अवार्ड 11 से ज्यादा है, 11 से ज्यादा nominations, बहुत ज्यादा nominations, एक साल में 3 पिक्चरें nomination में आई थी एक साल में, पर no awards, does that bother you? क्या नहीं सोचते हैं? No, you know the compensation is that the music has become all the more hit,
ओवर द इयर्स. तो दैट इज माय अवार्ड. अब ये तो देखिए एक मन को बहलाने के लिए है, लेकिन इस बात की खुशी है कि इतना म्यूजिक ज्यादा बड़ा हिट हुआ, इतना बड़ा, और म्यूजिक पुराना हुआ ही नहीं. ये भी नहीं हुआ अगर नहीं यार तो पुराना, ऐसा हुआ ही नहीं हमारे किसी भी म्यूजिक के. सब म्यूजिक हमारा अप्रिशिएट हो रहा है आज की डेट में. 90s का एक ऐसा दौर है, तो वो एक खुशी होती है, लेकिन अगर उसके साथ अवार्ड मिलता तो और भी खुशी होती है. अब एक सवाल जो हम सबके ही मन में है, दैट वी नो दैट इन 2020 एक कॉन्सर्ट के जरिए जतिन ललित हैड कम टुगेदर, कैन वी सी दैट हैपनिंग? नहीं, देयर इज नो, आई हैव नॉट टेकन दिस स्टेप एंड आई हैव I'm not responsible for it. I'm always ready. But it has to happen from both the sides. That, but I have stopped saying now anymore. Because I was refused for so many times. So I said, okay, I have to respect everybody's privacy. But do you miss the composition together? The feeling of composing ek saath? Kya ye yaad aate hain? Dekhi, partnership ka aisa hota hai na ki partnership to aadmi kabhi bhool nahi sakta. जी. क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस हमको साथ में मिली, साथ में काम किया. लेकिन ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई आदमी के दिल में ये हो कि चलो यार वी हैव टू रिजॉल्व दिस, सिट इन द एंड व्हाट टेबल एंड स्पीक आउट अवर हार्ट्स एंड जस्ट रिजॉल्व दिस एवरीथिंग, दैट कैन हैपन. पर किसी के दिल में ये अगर बात हो ही ना. अभी उस ललित जी ने शो किया जी. ललित जी ने शो किया, मुझसे कंसल्ट नहीं किया कि जतिन ललित नाइट कर रहा हूँ और मेरा नाम दे दिया. लेकिन उस बात को मैंने कोई इशू नहीं बनाया. मैंने बोला चलो इसने कर दिया, इट्स एज अ ब्रदर आई शुड जस्ट ऑनर दिस एंड डू दिस. मैंने कर दिया वो शो. फिर वंस द शो हुआ तो फिर उसने दोबारा शो किया, दोबारा मेरे ही गाने सब उसमें गाए, हमारे जतिन ललित के गाने. ललित जी की इंडिविजुअल गाना तो एक ही चला है, बाकी तो कुछ चला ही नहीं. सारा म्यूजिक जब आप जतिन ललित का कर रहे हो तो फिर आप जतिन घर पे है उसको फोन करके तो बोल ही सकते हैं ना. एंड आई मीन जो भी हुआ इट हैपेंड बैक इन 2006, इट्स बीन. और दुख की बात तो ये है कि आई फील वेरी सैड व्हेन द किड्स आल्सो डोंट यू नो कम एंड टॉक टू मी. दुख होता है. लाइक यू आर सेइंग कि यू आर ओपन टू लेटिंग गो व्हाटएवर इट इज. आई हैव टोल्ड दिस 100 and 100 टाइम्स बिकॉज़ द वर्ल्ड नीड्स अ जतिन ललित कंपोजिशन नाउ मोर देन एनीथिंग. तो मैं तो अपने मैं I'm a God-fearing person and I've been very, 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 very instrumental in joining Jatin Lalli as a team, getting him the film, Jo Jeeta Woh Sikandar. I had bought that film. He has not bought that film. Yeah. He told me ki he wants to join me. I honored that. Lekin, I mean, it makes my day, you know. Join hands in music also, but he said he and that too Jatin Lalit, you do two songs, he will do two songs, but yet he didn't agree to that. Well, I think we're going to end it on a high note. Ek din aap jo humko mil jayenge, phool hi phool raho main khil jayenge. मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये समी. मैंने सोचा न था जगमगाती हुई जागती रात है, रात है सितारों की बारात है. जगमगाती हुई जागती रात है, रात है या सितारों की बारात है.
अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने लिए मैंने सोचा आगे आगे हाँ। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी जब निगाहें निगाहों से एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे पास आए तो मजबूर हो जाएंगे मैंने सोचा न था मैंने भी सोचा नहीं था कि इतना कमाल का ये सेशन होगा मैं सेशन नहीं मैं बस मेरे चाइल्डहुड को रीलिव करने की एक इंटरव्यू कहूंगी दिस इज व्हाट आई फील इट इज थैंक यू सो मच थैंक यू Thank you very much for having me. I enjoyed the interview, trust me. It was fantastic. And you are such a musical girl, I never knew that. Thank you so much, Atinji. The choice and the kind of songs you asked and, I mean, there's a lot more we'll do it again. Oh my God. We'll speak about individual few films. Absolutely. We have Khamoshi left. Khamoshi left. We have films like Kabhi Haan, Kabhi Na Haan. Amazing. Oh my God. वो तो है अलबेला है काश के हम होश में आने क्या गाना है अभी ये गाना आप एक नोट पे चार बार चल रहा है वो दो नोट पे आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना कितनी बार आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा पांच बार एक दो नोट रिपीट हो रहा है लेकिन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मिसिंग है बल्कि मजा आता है आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना हो आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना अब मजरू साहब क्या बात देखिए कैसा चिपका के लिखा है आना लड़की का नाम है आना नहीं बोल रहे हूँ लड़की का नाम आना है आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना चलो बीजे हुआ जाने तो बहुत हो कुंदन शाह वाज वेरी वेरी गुड यू नो यू स्पोक अबाउट दिस फिल्म एंड वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक इन दिस इज कैसी ये कहानी है सुन लो मेरी जान Oh my God, my mind is blown. Yes, वो एक गाना नहीं है, it's a drama. It's a drama, it's a play. It's a play. कैसे सर मतलब ये क्या पल था क्या वो वक्त था आप कैसे कर लिए ये सब हो गया उस वक्त हम लोग म्यूजिक भी बहुत सुनते थे इंस्पायर भी बहुत होते थे अच्छे लोगों का म्यूजिक भी आता था एक कंपटीशन का जो स्तर था वो अलग था वो हो जाता था उस वक्त डायरेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होता है वो बोलता है ये करो वो करो ये सोचो ये बातें ऐसे ही चलती रहे आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ listening to all the stories ye jo kahani hai wo sirf ye sirf gaane nahi hai ye gaane hamare life ke background scores ban gaye hain aur uske liye bahut bahut shukriya aapka lalit ji ka yeah and aapke amazing music ka thank you so much and rahul man I wish you yes. all the best thank you very much thank so you very much for having me here but I think You rightly said, मुझे भी बहुत अच्छा लगा listening to that and again thank you very much for having me here. मजा आया कि आप दोनों एक साथ. और आप भी गाती होंगी. सर मैं वो ऐसे अकेले में बाथरूम सिंगर हूँ मैं बस. लेकिन thanks to your music गुनगुनाना तो सीख लिया मैंने बस. नहीं नहीं अच्छा आपका ये क्या होता है थोड़ा musical होता है anchor तो वो music सुनाने में मजा आता है. Thank you once again. All right. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया जितना मैंने वाकई में जिस तरीके से जतिन ललित जी रातों रात बैठ कर एक एल्बम को कंपोज करने के पीछे लगते थे मैंने भी दो रातें ऐसी गुजारी है बिकॉज आई वांटेड टू कम एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस इंटरव्यू सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव प्लीज़ सपोर्ट दिस टैलेंट
राहुल जतिन को बहुत सपोर्ट दिस सॉन्ग हम नशीन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक वेरी वेल कंपोज्ड वेरी वेल संग एंड वेरी वेरी सटल पिक्चराइजेशन थैंक यू सो मच दैट वाज मी उर्मिन एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा नमस्कार मैं हूं म्यूजिक डायरेक्टर जतिन पंडित हेलो दोस्तों मैं हूं सिंगर कंपोजर राहुल जतिन और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर